बार जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो, अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। अरे समझा के नहीं, हाँ के ना कुछ तो बोल। पापा आपने तो कहा सामने मत बोल। अरे लेकिन ऐसे मुंडी हिला के तुम ऐसे हाँ ना बोल सकता है ना कुछ तो। अभी यहाँ किसके लिए था? अभी मैं जो बोला था उसके लिए कि पहले जो बोला था उसके लिए? दोनों के लिए। अमूल टप्पू की शिकायत नहीं आएगी है ना दीक्षा? हाँ मम्मी, पापा दादाजी, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि कॉलेज में से मेरी छोटी सी भी शिकायत नहीं आएगी। हाँ टप्पू की कॉलेज में से कोई शिकायत नहीं आएगी है ना बाबा? चिटिया, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है, उसने कहा कि शिकायत नहीं आएगी तो नहीं आएगी, है ना टपूड़ा? हाँ दादाजी, प्रॉमिस नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ले इस बात पे 1,000 रुपया और 1-1 रुपया समझ के ध्यान से खर्चा करना बेटा, और सब हिसाब रखना। यस यस पापा, थैंक यू पापा, बाय मम्मी, बाय दादाजी। अरे एक मिनट रुक बेटा, ओ मैं मंदिर जाकर आ। जी बापूजी। चल टपूड़। और हाँ भाई, क्या तुझे दुकान नहीं जाना? मुझे क्या बाकी है? नाश्ता, मेरा चाय नाश्ता बाकी है, तो मैं दया से पूछ रहा था कि अगर वो चाय नाश्ता देती है तो करके जाता हूँ ना, ऐसे ही चला जाता हूँ दुकान। नहीं नहीं नहीं, चाय नाश्ता तैयारी है, बैठिए आप। हाँ चाय नाश्ता करके जा, चल बेटा, चल चल। ओके बाबूजी। क्या अभी बाबूजी के सामने ये बाकी बोल रहे हैं? हाँ तो बाकी तो है ना कि फिर नहीं। नहीं नहीं, आज तो देरी हो जाने दो भाई, आज अभी बहुत देरी हो गई है, जल्दी से चाय नाश्ता दे, बहुत देर हो रही है, चलो 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 चलो। सोनू ऑटो ब्लॉकर, कॉलेज में लेट हो जाएगा ना तो पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। हो हो, आले बाबा बैग रेडी कर रही थी। मैंने कितनी बार बोला है कि टाइम टेबल के हिसाब से रात को ही दफ्तर भर दिया करो। व्हाट इज दफ्तर बाबा? अब मैं स्कूल में नहीं हूँ कि सारे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, नोटबुक और वर्कबुक से भरी बैग लेके जाऊँ। आई मीन कॉलेज नाउ। I know you're in college now, लेकिन college में भी पढ़ाई होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये college life enjoy करने के चक्कर में तुम टप्पू सेना के साथ canteen में बैठ के time pass तो नहीं करती ना? Of course time pass करती हूँ बाबा। मतलब जब lecture free होता है तभी। हाँ, वैसे पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? Superb, कोई tension नहीं है। Good. पर एक्चुअली एक छोटा सा टेंशन है। नहीं मुझे पता है किसका टेंशन है तुम्हें, वो टप्पू का ही होगा, वो हमेशा कोई ना कोई टेंशन खड़ा करता ही रहता है। अब क्या किया उसने? क्या बाबा, आप हमेशा टप्पू पे शक करते रहते हो। टप्पू एक बहुत अच्छा लड़का है और कॉलेज में वो कोई टेंशन या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। इनफैक्ट वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है। तो फिर टेंशन किसका है? मेरे बाबा का। मैंने क्या किया? यही तो, मैं जब से कॉलेज जाने लगी हूँ आप हमेशा टेंशन में ही रहते हो, ये मत करना, वो मत करना, टप्पू के साथ ज्यादा टाइम पास मत करना, हमेशा यही बोलते रहते हो। टेंशन तो हो गई ना सोनू बेटा, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। एग्जैक्टली बाबा, मैं बड़ी हो गई हूँ, अच्छा बुरा सही गलत अब मैं समझने लगी हूँ, और आपने और आई ने मुझे जो संस्कार दिए हैं वो मैं बिल्कुल नहीं भूली। So you simply take a chill pill. ये कहाँ मिलता है? What I mean is relax बाबा। Chill pill, relax. अच्छा 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 बाबा, मुझे 150 रुपीज दीजिए ना। 150 रुपीज क्यों? ट्रैवलिंग के लिए बाबा, वो कभी कभी लेट हो जाता है ना तो हमें ऑटो रिक्शा शेयर करके जाना पड़ता है। दोनों मुझे पता है तुम कभी लेट नहीं होती, उस टप्पू की वजह से सबको लेट होता है। लेकिन बाबा आज टप्पू की वजह से नहीं, मेरी वजह से लेट हो जाएंगे, पैसे दीजिए ना। एक काम करो, 150 तो नहीं है मेरे पास, तुम ये 200 रुपए रखो। ओके थैंक यू, बाय बाय। देखो पैसे दिए लेकिन फालतू का खर्चा मत करना। ओके और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना। ओके और हाँ, टप्पू के साथ कोई भी शरारत में हिस्सा मत लेना। टप्पू का क्या है ना, उसके पापा की दुकान है तो उसको आगे जाके दुकान ही संभालनी है, लेकिन अपना ऐसा नहीं है, मैं आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। अबे जाओ। ओके बाय। ओके बाय। अरे तुमने नाश्ता किया? हाँ। हाँ। मम्मी कितना टाइम, मुझे लेट हो रहा है, मेरा टिफिन। यस बेबी, ये लो गर्मा गर्म समोसा और इमली की चटनी। अरे वाह, भूख लगे तो खा लेना बेबी। भूख लगे तो क्या मम्मी, भूख तो लगेगी ना? सही बात है भाई, भूख तो लगनी ही चाहिए। भूख लगने का मतलब है कि हमारे शरीर के सारे पार्ट्स अपना अपना काम करने के लिए बेचैन है, और उनकी बेचैनी को दूर करने के लिए हमें खाना तो पड़ेगा ही। सही बात है पापा, इसी बात पे 300 रुपए हो जाए। 300 रुपए? Why baby? मम्मी नाश्ते पानी के लिए। बेबी मैंने तुझे टिफिन तो दिया है ना,
मम्मी ये इमरजेंसी बुक के लिए, नॉर्मल बुक के लिए तो मैं कैंटीन में ही खाऊंगा ना। सही बात है। क्या सही बात है? और तू कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है या नाश्ता करने? ऑफ कोर्स मम्मी, कॉलेज तो मैं नाश्ता पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही खाली पेट बीमारियों का घर होता है। और वैसे भी खाते पीते रहने से शरीर को जरूरी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और अन्य जीवन सत्व मिलते रहते हैं, और इससे पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगता है। क्यों पापा? सही बात है गोली बेटा। कोमल, गोली की बात बिल्कुल प्रैक्टिकली और मेडिकली सही है। खाली पेट तो भजन नहीं होते, बेचारा गोली पढ़ाई कैसे करेगा? ऑब्वियसली। और पढ़ाई नहीं करेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा, और डॉक्टर नहीं बनेगा तो ये क्लिनिक कौन संभालेगा? थैंक यू सो मच पापा फॉर योर मॉरल सपोर्ट। वेलकम बेटा, वेलकम। बोली बेटा, तुम ये 500 ही रखो। 500 रुपए? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे मोस्ट वेलकम बेटा। लेकिन गोली बेटा, ये 500 रुपए मैंने इसलिए दिए हैं कि तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन की कोई स्पेशल डिश हो तो मेरे लिए भी 3-4 प्लेट पैक करा लेना। 100%। थैंक यू बेटा। कॉलेज जा रहे हो ना बेटा, तो पढ़ाई भी करना। हाँ ओके मम्मी, बाय 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 बेटा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग टप्पू। दादाजी आप भी हमारे साथ कॉलेज आ रहे हो आज? क्या गोली मजाक कर रहा है? अरे नहीं नहीं टपुड़ा, गोली सही कह रहा है, मैं भी कॉलेज आ रहा हूँ। दादाजी क्या कर रहे हो आप हमारे साथ कॉलेज आ रहे हो? अरे टपुड़ा मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। अरे मेरी कॉलेज मतलब मंदिर, मैं मंदिर में प्रभु के दर्शन करूंगा और तुम लोग अपनी कॉलेज में पढ़ाई करना। फ्रेंड्स यही बातें करते खड़े रहना तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। चलो। हाँ फ्रेंड्स चलो, अगर दादाजी लेट हुए तो भगवान उन्हें पनिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लेट हुए तो सर हमें जरूर पनिश करेंगे। हाँ चलो चलो। अरे एक मिनट, पापा ने जो पैसे दिए वो सोच समझ के खर्चा करना, और याद है ना कॉलेज से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ दादाजी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हेलो, नमस्कार भिड़े भाई, कुणाल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार कुणाल भाई, बोलिए बोलिए कैसे है? बढ़िया हूँ भिड़े भाई, आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज 7 तारीख है। मुझे तारीख हमेशा याद रहती है कुणाल भाई, मैं शिक्षक हूँ शिक्षक। अच्छा तो 30 तारीख आप भूल गए? मतलब महीने के हर 30 तारीख को आपके मसाले का पेमेंट आ जाता है, इस बार नहीं आया। सॉरी कुणाल भाई, मेरे ध्यान से ही निकल गया, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, तो अभी मिल जाएगा पेमेंट? क्या है ना मुझे भी सामने पेमेंट करना है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा अभी। वैसे कितना पेमेंट है अपना? 10,000 रुपए भिड़े भाई। कुणाल भाई 15-20 मिनट में आपकी दुकान पे पहुंचता हूँ और आपका पेमेंट कर देता हूँ, है ना? भिड़े भाई हो सके तो पेमेंट कैश में लेके आना। हाँ बिल्कुल, कैश ही। ओके भिड़े भाई, थैंक यू। ओके बैंक जाके कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। अरे नहीं, कल ट्यूशन फीस आई है ना 8,000 रुपए, और 2,000 रुपए पोपटा से लेने ही है, अभी ले लेता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। सुबह सुबह कहाँ इतनी धड़पड़ में भाग रहे हैं? अभी बहुत लेट हो रहा है, मेरी कोई अर्जेंट मीटिंग है इसलिए जाना जल्दी है थोड़ा। चलो। अरे भाई लगता है आज ये लेट की हवा चल रही है, दया ने मुझे नाश्ता देने में लेट कर दिया, उसमें मुझे भी लेट हो गया। अरे भाई तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जेठालाल, लेट जाओ जल्दी जाओ, तुम तो खुद बॉस हो, फर्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है ना, अगर लेट गया ना तो अभी बॉस 10-20 लोगों के सामने सुना देगा। हाँ भाई बॉस लोग तो होते ही है ताना मारने के लिए, बाकी काम तो आप नट्टू काका बाघा जैसे करते हुए निष्ठ लोग ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जेठालाल, आपने मेरी तुलना नट्टू काका और बाघा से की और मगन से नहीं की। अरे नहीं नहीं, मगन तो आप तीनों से कई ज्यादा काम करता है। ओहो जय और वीरू साथ साथ। आओ भाई अंग्रेजों के जमाने के जेलर। चला जेलर साहब, आपको भी कहीं जाना हो तो रास्ते में रिक्शा में छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो पोपटलाल के घर जा रहा हूँ। भिड़े तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है कि पोपटलाल का? अभी आज सुबह वो उसके साथ मेरठ ब्यूरो भी गया था, फिर अभी उसके घर पे जा रहा है, काई काई चल रहा है काई? अरे कहीं तुमने शादी वादी करवाने का साइड बिजनेस तो शुरू नहीं कर लिया है? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं पैसे लेने जा रहा हूँ। किस बात के पैसे? क्या हुआ? तो वही 2,000 रुपए लेने के लिए भी जा रहा हूँ। अरे कितना आशावादी है ना तू, देखा भिड़े कितना आशावादी, पोपटलाल से 2,000 रुपए वापस लेने जा रहा है। कुछ लगता है पोपटलाल 2,000 वापस देगा? नहीं नहीं,
मैं तो सबका सख्त बराबर है भिड़े, मुझे नहीं लगता हो जाएगा। भूल जा भूल जा भूल जा। अरे किस कुछ में भूल जाओ भाई, मुझे मसाला लोगों को पेमेंट करना है अर्जेंट, उसी के लिए 2000 रुपए लेने जा रहा हूँ मैं। नहीं जा भले, तू जाने से कौन रोक रहा है, पर मिलेंगे नहीं भिड़े। मेहता साहब जब मिलने वाले ही नहीं है, पैसा तो जाके फायदा क्या? ये भी सही है। अरे लेकिन क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसके देने की दानत ही नहीं है ना। अरे भाई तू ही सोच, जो आदमी अपने मोबाइल में 10-20 रुपए का रिचार्ज करवाता हो, वो क्या जेब में 3000 रुपए लेकर घूमेगा? अरे उसको पहले से ही पता था कि भाई वो मेरे दूर का मेंबरशिप कैंसिल हो गया, तो 5000 लेके ही निकला था घर से। लेकिन तू साथ में था, तुझसे 2000 निकलवाने थे, इसलिए उसने जेब से खाली 3000 निकाले। ठीक है ना भाई, ऐसा समझ के तूने एडवांस में उसको शादी में चांदला कर दिया 2000 का है? और क्या? अरे क्या चांदला कर दिया, ये चांगला नहीं है। माला मुझे पैसे पाहिजे पोपटलाल, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आज पोपटलाल की खैर नहीं। मेहता साहब कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं जनरल, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड फ्रेंडशिप। मतलब मोहब्बत जंग और दोस्ती में सब कुछ जायज। अभी आपको लेट नहीं हो रहा है? अरे चलो भाई चलो। हाँ खड़े खड़े प्यार ने जंग ने उसने सब वो होता है। पोपटलाल, अरे ये तो घर में ही नहीं है, कुटे गला। अरे पोपटलाल कहाँ हो भाई तुम, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ अब्दुल के शॉप पर। हाँ वही रुका, मैं आ रहा हूँ, कहीं जाना मत। हाँ अब्दुल पोपटलाल कहाँ है? पोपट भाई तो यहाँ पर नहीं है। अरे कमाल है, अभी उसने मुझे फोन पे बोला कि वो तुम्हारे शॉप पे है। थोड़ी देर पहले पोपट भाई यहाँ थे लेकिन चले गए। कमाल है मानुष। पण देखो अभी फोन नहीं उठा रहा है, तो पोपट गिला कूटे उड़त। बस आपने पोपट भाई को याद किया, आ गए। हाँ भाई पोपटलाल वो सुबह। अरे भाई भिड़े बातें बाद में करेंगे भाई, पहले 50 का छुट्टा देना। हाँ मानुस है। 50 का मेरे पास 50 पैसे का भी छुट्टा नहीं है। ऐसा आदमी है घर से निकलते पैसा लेके नहीं निकलता। हाँ थोड़ा तो छुट्टा रखना चाहिए ना। अब्दुल एक 20 रुपया छुट्टा दे, मैं बाद में देता हूँ। हाँ हाँ अभी दे। ये ली। ये लो भाई। आओ ला 2 रुपया छुट्टा दो। हाँ बोल भाई क्या बात है। पोपटलाल तुम्हें सुबह की बात याद है ना? सुबह की कौन सी बात? अच्छा 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 याद है याद है याद है। अब्दुल मियां आज भिड़े ने सुबह एक जबरदस्त काम किया है, तो कमाल का सुविचार लिखा है। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। हाँ मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा लिखा आपने सुविचार। थैंक यू अब्दुल। लेकिन पोपटलाल मैं अभी सुविचार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जो सुबह मैच पे की मैरिज ब्यूरो गए थे ना। हाँ 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 भाई मानना पड़ेगा अब्दुल, भिड़े ने आज एक और अच्छा काम किया। आज सुबह सुबह मुझे अर्जेंट मैरिज ब्यूरो जाना था, तो भिड़े अपना स्कूटर लेकर मेरे साथ चला था। मुबारक हो मुबारक हो, आपके लिए रिश्ता आ गया। अरे काय का रिश्ता आ गया भाई, कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। वो मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप खत्म हो गई थी ना, वो रिन्यू करने गए थे हम लोग। सुबह 2000 का फटका। 2000 नहीं 5000 भिड़े भूल गया, 3000 रुपया मैंने दिया था, तूने तो सिर्फ 2000 दिया। सिर्फ 2000? अरे तो उसी 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 2000 रुपए मुझे अभी चाहिए। ओ अच्छा 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 अब समझा, इसलिए तो सुबह से मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। बार बार? ये 2 बार तो फोन किया है पोपटलाल। भाई पोपटलाल देखो मुझे मसाला वाले को पेमेंट करना है, मेरे पास अभी 8000 रुपए और 2000 शॉर्टेज है, तो मुझे दे दो अभी 2000 रुपए। लेकिन भाई अभी मेरे पास 2000 कैश नहीं है। अरे कमल है तुमने बोला था कि तुम बैंक से कैश निकाल कर दे दोगे। हाँ हाँ लेकिन मुझे बैंक जाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन पोपटलाल मुझे उसे अर्जेंट पेमेंट करना है भाई। एक काम करता हूँ भिड़े, मैं तुझे 2000 का बेरर चेक देता हूँ, तू बैंक जाके निकाल। वाह मतलब तुम्हारा बेरर चेक लेके मैं बैंक में जाऊँ, उसके लिए मैं ऑटो का 100 रुपया खर्चा करूँ। क्यों सकारम का? अरे उसमें भी तो 100 रुपए का पेट्रोल डलेगा ना। तो अब क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब पोपटलाल मैंने तुम्हें कैश दिया था, तुम्हें मुझे अभी कैश दे दो। कमल है मानो, अरे सोच क्या रहे हो पोपटलाल, वो पार्टी मेरा वेट करे, मुझे अर्जेंट पेमेंट देना है उसे। एक काम करते हैं भैया, तुझे 10000 देना है ना। हाँ तो तू 8000 कैश और 2000 का बेरर चेक दे दे। पोपटलाल मैं ऐसे आधा पेमेंट नहीं करूंगा भाई, आधा कैश और आधा चेक। एक काम कर, वो 8000 मुझे दे दे।
नहीं, नहीं मेरा मतलब है वो 8,000 में अपने अकाउंट में डाल दूंगा और तुझे 10,000 का बैरर चेक दे दूंगा। तू अपनी पार्टी को पूरा पेमेंट चेक में दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व। ला ला 8,000 ला। लेकिन पोपटलाल मुझे कैश में पेमेंट करना है भाई, कैश लिक्विड मनी, समझ रहे हो? तो भाई अभी नहीं है तो कहां से दूं? जेठालाल ने बिल्कुल सही बोला था। अरे भाई अभी बीच में जेठालाल कहां से आ गया? वो तुम नहीं समझोगे, पोपटलाल मुझे अर्जेंट के अर्जेंट 2,000 रुपए अभी का भी दे दो। हेलो, हाँ कुणाल भाई, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ टर्निंग पे हूँ मैं, आ गया। उसको पूछो ना बैलेंस चेक। हाँ ओके भाई, भाई क्या चेक कर रहे हो? अरे भाई तुम्हारे पास इतनी सारी जेबें, कहीं ना कहीं तो अर्जेंट है। अरे स्टॉप बिड़ा स्टॉप, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे 2,000 रुपए वापस नहीं लौटाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे भरोसा है कि तुम पैसा दोगे, लेकिन कब दोगे उसकी गारंटी नहीं है ना। अच्छा अगर ऐसा है तो अभी क्या, अभी मेरे साथ बैंक चल, मैं तुझे 2,000 दे देता हूँ, रिक्शा का पैसा भी मैं दूंगा। इतना टाइम नहीं मेरे पास पोपटलाल, मुझे अभी कभी पैसे चाहिए। टाइम भी नहीं है, पैसा भी चाहिए, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे हल्का अर्थ है, बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। हल्का अर्थ मतलब ऐसे थोड़ी चलता है। अरे कहीं इन दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा ना हो जाए। कैसी चाहिए ना? अरे भाई शांत हो जाइए। देखो भाई आपको 2,000 अर्जेंट चाहिए ना। हाँ। तो मैं दे देता हूँ आपको, आप अपनी पार्टी को दे देना, मैं पोपट भाई से बात में ले लूंगा। नक्की ना? हाँ। सीखो सीखो अब्दुल से कुछ सीखो, पत्रकार पोपटलाल की कितनी इज्जत है मार्केट में। अरे 2,000 क्या, 2,00,000 भी होता ना तो अब्दुल एक झटके में दे देता। हाँ। भाई इसे याद से ले लेना और कैश ही लेना, चेक मत लेना। हाँ, ले लो। बिड़े, वहाँ कहाँ जा रहा? अरे सकरम को साथ में लेके जाऊंगा। काका तू भी मुझे एंड टाइम पे कोई टेंशन मत दे, तो ये तो 4 इलेक्ट्रिशियन जाता है ले जा, लेकिन आज सब एसी फिट हो जाना चाहिए। अरे वो अली भाई सारजा में शांति से इसलिए बैठे क्योंकि उनको हमारे काम पे भरोसा है, हम पे भरोसा है, और मैं भी उनको जबान दे चुका हूँ कि आज कुछ भी करके उनका काम हो जाएगा। तो तू आज कुछ भी करके उनका काम तमाम कर दे, मेरा मतलब है उनका तमाम काम हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ अभी क्या टेंशन है? कैसा टेंशन? किसको टेंशन है? ओ दया तू, नहीं वो भागा, कब से मुझे फोन करके टेंशन दे रहा है ना, तो मुझे लगा फिर से भागा ही होगा। बोल बोल बोल, अभी तूने क्या नया टेंशन देने के लिए फोन किया है? अच्छा तो मैं आपको फोन करके टेंशन देती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरी टेंशन की मदरानी, तेरा टेंशन तो मतपुड़े जैसा मीठा होता है, बस इतना है कि उस मतपुड़े को सिर्फ दूर से देखना पड़ता है, अगर नजदीक जाके उसको छेड़ा तो मीठे मध की जगह पे वो मधुमक्खी के तीखे चटके लगते हैं। अच्छा तो मेरा टेंशन आपको मधुमक्खी का चटका देता है? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल गया, तो चल ना बोल ना, फोन क्यों किया? वो है बोल क्या? वो आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है, आपकी दुकान जाने से मुझे घर में बैठे बैठे आपकी याद सता रही है, याद आ रही है। जब कोई याद तुझे सताए, जब कोई टेंशन हो जाए, मेरे पास है उसकी दवा, वो मेरी दया। वो कौन सी है दवा? टपू के पापा। तू कर लेना गरबा मेरी दया, तेरे सब टेंशन की है ये एक ही दवा। टपू के पापा आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो टेंशन है ना उसमें ये दवा काम नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्या टेंशन है? वो सुबह आपने टपू को कहा था ना कि अगर उसकी कॉलेज में से कोई फरियाद आई तो आप उसे कॉलेज छोड़ा के दुकान में बिठा देंगे। हाँ तो उसमें तू क्यों टेंशन ले रही है? नहीं वो क्या है, टपू भी बच्चा है ना, और कभी कभी बच्चों लोगों को न चाहते हुए भी शरारत करनी पड़ती है, मतलब बच्चों से शरारत हो जाती है। दया तेरे इसी लाड प्यार की वजह से टप्पू बचपन से शरारती हो गया है। टप्पू के पापा, नहीं नहीं अभी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैंने कह दिया सब कह दिया, अभी सच में उसकी कोई भी शिकायत आई कॉलेज से तो मैं सच में उसकी पढ़ाई बंद करवा कर दुकान पर बिठा दूंगा। टप्पू के पापा, नहीं नहीं बस इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं सुनना, चलो फोन रखो, चलो
टप्पू से कॉलेज में कोई शरारत मत करवाना। महिलाओं का सिक्स्थ सेंस, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्हें अच्छे बुरे का आभास पहले ही होने लगा। क्या घटने वाला है शायद वो जान लेती। इसीलिए दया भाभी को टप्पू की शरारत का आभास होने लगा है। लेकिन कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, और कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा। ठीक ऐसा ही होने वाला है। शरारतों के बादशाह टप्पू के साथ कोई और शरारत करेगा और टप्पू फंसने वाला है। अब ये तो खास होगा साहब, कौन करेगा शरारत और टप्पू के साथ की जा रही शरारत क्या रंग लेके आएगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होगा टप्पू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।